शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा सिवान जेल में बंद हैं। कोर्ट में पेशी के लिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सिवान जेल से बुधवार को मोतिहारी भेजा गया। ओसामा शहाब पर मोतिहारी में एक केस दर्ज है जिसमें ओसामा समेत कुछ और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि ओसामा शहाब को सिवान जेल से 11:56 पर निकाला गया और इसके बाद पुलिस उसे लेकर मोतिहारी के नगर थाना में कांड संख्या 533/23 के लिए कोर्ट के लिए लेकर रवाना हो गई। मोतिहारी में ओसामा शहाब की बहन का ससुराल है। ससुराल में बहन के पटीदार ने सीधे तौर पर FIR में आरोप लगाया है कि ओसामा शहाब अपने गुंडों को लेकर आया था और बाउंड्री तोड़कर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। उसी समय उसे ओसामा को पुलिस तलाश कर रही थी। इसके बाद ओसामा को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया जहां से सिवान की पुलिस उन्हें लेकर आई। कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब मोतिहारी वाले मामले में बुधवार को कोर्ट में पेशी हो रही है। ओसामा की बहन की शादी मोतिहारी के रानी कोठी में हुई है। बहन के ससुर इफ्तिखार अहमद का अपने खास भाई से जमीन को लेकर कई वर्षों से विवाद चल रहा था। इस मामले में बहन के ससुर के भाई ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर जमीन विवाद में धमकाने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया बुजुर्ग गांव के जमीनी विवाद का पूरा मामला है। इसी हुसैनगंज थाने में ओसामा पर एक और भी मामला दर्ज है जिसमें रईस खान पर हमला करवाने का आरोप है। बता दें कि ओसामा शहाब के अधिवक्ता ने 28 अक्टूबर को ACJM 9 की अदालत में आवेदन दिया था जिसमें कहा था मोतिहारी वाले केस में भारी सुरक्षा के बीच भेजा जाए क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। उनके इस आवेदन पर कोर्ट के आदेश पर भारी सुरक्षा के बीच ओसामा को मोतिहारी भेजा गया। ओसामा को वापस देर शाम सिवान मंडल कारावास में लाया जाएगा।